हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो एमपी बोर्ड क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर आ गई है मेरे पास। खबर ये है कि एमपी बोर्ड ने अपना इस सेशन का, मतलब 2022-23 का रिड्यूस्ड सिलेबस, वो भी ब्लूप्रिंट के साथ, डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, आप लोगों को एक PDF मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से आई हुई है। इस PDF में 9th से लेकर 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स का रिड्यूस सिलेबस भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी आपको मिलेगा। ब्लूप्रिंट मतलब जिस पेपर पैटर्न पे आपके एनुअल एग्जामिनेशन होने वाले हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हमेशा की तरह एमपी बोर्ड ने अपनी ये जो PDF है रिड्यूस सिलेबस की और ब्लूप्रिंट की, और हिंदी में अपलोड की है, और उस वजह से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इसे समझने में प्रॉब्लम आ रही है। सो आज की वीडियो के साथ हम इस PDF को समझने और समझाने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो में क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स सब्जेक्ट है, उन्हें अपने सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट मिलने वाला है इंग्लिश में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सो बच्चा, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं सबसे पहले क्लास 12th मैथ्स का ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेशन 22 और 23 के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ब्लूप्रिंट पूरा टेबुलर फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर चैप्टर के नेम, यहाँ पर टोटल वेटेज लिखा हुआ है कि पर चैप्टर का टोटल वेटेज क्या है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन का टोटल वेटेज 5 मार्क्स का है, इनवर्स फ्रिगो का 6 मार्क्स का है, मेट्राइसिस का 6 मार्क्स का है, ठीक है। और उसी तरह मैंने राइट में आपको ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर में से कितने आएंगे, 2 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये भी प्रॉपरली मैंशन कर दिया है। बिल्कुल वही जो PDF एमपी बोर्ड से आई है उसी की कॉपी है, बस ट्रांसलेट कर दी है हमने हिंदी को इंग्लिश में, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ से मैच कर सकते हैं। पूरी PDF चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी तक आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि आपका 12th मैथ्स का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 20 मार्क्स आपको स्कूल से इंटरनली मिलने वाले हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए, क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो आपको स्कूल में अच्छा बिहेवियर और कंडक्ट रखना है ताकि आपको 20 नंबर पूरे की पूरी बड़ी आसानी से मिल जाएँ। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के ब्लूप्रिंट की। फिजिक्स के ब्लूप्रिंट में भी मैंने सेम ही टेबल बनाई हुई है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी है कि जो एमपी बोर्ड वाली PDF है उसमें सिर्फ यूनिट और यूनिट के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने यूनिट के साथ साथ आपको चैप्टर कौन कौन से यूनिट में आ रहे हैं वो भी बता दिया है। आई थिंक ये PDF आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने टोटल वेटेज लिखा हुआ है पर यूनिट का, किस यूनिट में से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे इस तरफ में मेंशन है, उसके बाद 2, 3, 4 और 5 मार्क के क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। पूरी PDF आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा जो फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है वो 70 मार्क्स का होने वाला है, राइट। तो चलिए अब केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम टेबल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर में ना सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 नाम नहीं लिखा है। जो चैप्टर नंबर आपको NCERT में देखने को मिलेगा या आपकी रेफरेंस बुक में देखने को मिलेगा उस हिसाब से मैंने सीरियल नंबर डाल दिया है। देखिए चैप्टर 2 सॉल्यूशन है तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हुआ है। इससे आपको ये भी समझ आएगा कि आपका कौन कौन सा चैप्टर आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली जो चैप्टर ब्लूप्रिंट में मेंशन नहीं है वो तो एग्जाम से हट ही गए होंगे, ठीक है। सो इसी तरह से आपको केमिस्ट्री की भी पूरी टेबल देखने को मिल रही है। यहाँ पर चैप्टर्स के नाम हैं, यहाँ पर उनके नंबर हैं, यहाँ पर टोटल वेटेज है चैप्टर का, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर में से कितने आएंगे ये है, उसके बाद 2, 3, 4 और 5 मार्क के क्वेश्चन मेंशन है। ये भी हमारी टेबल लास्ट चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स तक की है, और यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि टोटल जो मार्क्स हमारे होंगे केमिस्ट्री एग्जाम के वो 70 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। 30 मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के बेसिस पर मिलेंगे, जिसमें आपकी फाइल, वाइवा, प्रोजेक्ट वगैरह सब इंक्लूडेड होगा। सो अब हम क्लास 12th बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, अब पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट कभी भी एमपी बोर्ड से नहीं मिलता है, आपको यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट देंगे। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यूनिट 1 आपकी रिप्रोडक्शन है, इसमें आपको टोटल 16 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है, बट इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर आते हैं तो 16 मार्क्स आपके 3 चैप्टर में डिवाइडेड हैं। अब वो इक्वली डिवाइडेड हैं या रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से ज़्यादा पोर्शन आएगा, ह्यूमन से ज़्यादा आएगा, ये कुछ नहीं पता है। मतलब यहाँ पर इतना क्लियर आइडिया बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं मिलने वाला है। तो आपको तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं अगर आपको पूरे पूरे 16 मार्क्स को गेन करना है। तो बाकी यूनिट में भी सेम अप्लाई होता है। यूनिट 2 जेनेटिक में जितने भी चैप्टर है उन सब में 16 मार्क्स डिवाइडेड हैं, बट कैसे डिवाइडेड है वी डोंट नो। सो आपको सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे।
आप लोगों का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। जैसे कि एमपी बोर्ड ने जो पीडीएफ हिंदी में डाली है वो काफ़ी बड़ी है, लाइक 300-350 पेजेस हैं उसमें, क्योंकि 9 से 12 तक का रिड्यूस सिलेबस भी बताया है और ब्लूप्रिंट भी बताया है। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो भी ब्लूप्रिंट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं इनका पीडीएफ भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश वाला भी मिलेगा और एमपी बोर्ड की तरफ से जो हिंदी है वो भी मैं डाल रही हूँ, ताकि आप दोनों पीडीएफ अपने साथ रख सकें। जाकर वहां से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। बट उससे पहले, डाउनलोड करने जाने से पहले, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि अगला ब्लूप्रिंट आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।